हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों? आपको पता है कि रोडवेज में कनेक्टर की भर्ती से संबंधित जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी सेकंड के तहत 905 पदों पे जो दोस्तों जल्द से जल्द फाइनल मेरिट लिस्ट निकालने वाले हैं, फाइनल ज्वाइनिंग लिस्ट निकालने वाले हैं दोस्तों। अब ये दो नोटिफिकेशन जो कि आए हुए हैं वैसे के वैसे ही, लेकिन सभी को वेट है, प्रतीक्षा है कि कब वो फाइनल लिस्ट आएगी दोस्तों। कब आएगी ये सब कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों लाइक तो बगैर कहे कर दीजिएगा दोस्तों। बताऊंगा, पहले कई लोगों ने मेरे से प्रश्न पूछा कमेंट के द्वारा या किसी अन्य कारण से दोस्तों। मेरे पास बार बार कमेंट्स आ रहे थे तो उस कमेंट्स का आंसर देने के लिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ अच्छी प्रकार से आपके कमेंट्स का आंसर दे देता हूँ दोस्तों। एक कमेंट आया हुआ था मेरे पास कि हर डिपो की वैकेंसी अलग अलग होगी। हाँ बिल्कुल जी, हर डिपो की अलग अलग वैकेंसी होगी और अलग अलग कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी जाएगी दोस्तों। कैसे होगा सब कुछ मैं आपको विद नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है दोस्तों। दोस्तों जो सबसे पहले जो चल रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक किया, ये नोटिफिकेशन अब डाउनलोड होगा दोस्तों। डाउनलोड नोटिफिकेशन को मैं दिखाऊंगा किस प्रकार डिपो में अलग अलग कट ऑफ जारी की जाइए। देखिए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। आपको पता है कि डिपो वाइज वैकेंसी डिपार्टमेंट ने निकाल ली थी। ये वैकेंसी दोस्तों आउटसोर्सिंग पॉलिसी सेकंड है दोस्तों। आउटसोर्सिंग पॉलिसी एक ऐसी वैकेंसी है जो कि हरियाणा रोडवेज में जो भी एक बार कर्मचारी लग गया अटनेगा तो नाम ही नहीं लेता दोस्तों। जो पीछे का रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, उसको मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों देखिएगा, अंबाला में जनरल कैटेगरी की वैकेंसी देख सकते हैं, EBPG देख सकते हैं, SC, BC, BC, ESMG, ESM SC, ESM BCA, ESM BCB, OSP, OSP SC और SP, यानी अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग डिपो वाइज वैकेंसी है दोस्तों। अगर आपने जिस डिपो में फॉर्म फिल किया है उस डिपो में कितनी वैकेंसी है जरूर देख लीजिएगा। कैटेगरी वाइज है, डिपो वाइज है। ये देखिए दोस्तों, 23 के 23 जो डिपो में उन्होंने जो निर्धारित की हुई है वैकेंसीज, उसकी संपूर्ण डिटेल आपको मैं दिखा रहा हूँ। पहले भी आपने देखा होगा लेकिन फिर से देख लीजिएगा। आपकी कट ऑफ भी जो मेरिट लिस्ट उन्होंने चढ़ाई है उस पर भी एक बार नज़र आप जरूर देखिएगा दोस्तों। जर्नल की दोस्तों 15, सभी में 15 15 पोस्टेज है, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपने देखा, एक और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, जो लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कितनी पोस्ट है, अलग अलग डिपो पर ही वैकेंसी होगी। बिल्कुल जी, अलग अलग डिपो पर ही वैकेंसी है और अलग अलग कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उस डिपो की उतनी कट ऑफ है, ये इन्फॉर्मेशन अभी तक डिपार्टमेंट दे रहा है। और दोस्तों और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन बता दूं, कट ऑफ लिस्ट दोस्तों 15 नवंबर के आसपास आने की पूरी से पूरी संभावना है दोस्तों। जैसे कि मैंने नुहा पर क्लिक किया, नुहा जो डिपो है उस पर मैंने क्लिक कर दिया। ये दोस्तों जो ओरिजिनल मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग लिस्ट आएगी, सबसे पहले हम इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन पर जरूर डालेंगे। जितने भी आप मुझे देख रहे हो, कृपया इस YouTube चैनल यूथ इंडियन को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। देख लो नू की इस प्रकार लिस्ट जारी कर दी गई है। ये कट ऑफ दोस्तों इधर है, ये टोटल कट ऑफ, ये देखिए दोस्तों कट ऑफ जो बना रखी है इन्होंने, जो फाइनल से पहले मेरिट जो बनाई है, फाइनल से पहले, फाइनल लिस्ट आने से पहले जो इधर। तो दोस्तों ये जो है ये है कैटेगरी और ये लास्ट में दोस्तों ये मेरिट लिस्ट बनाई हुई है कि मेरिट जो मान लो 15 वैकेंसी है किसी डिपो में, किसी भी डिपो में, तो 15 टॉपरों को लेंगे दोस्तों, न कि नीचे वालों को। कोई किसी प्रकार की धांधली नहीं है दोस्तों, ऑनलाइन प्रक्रिया है। और दोस्तों फिर से बता दूं कि सरकार ने स्पष्ट, अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है उन्होंने कहा कि हम आउटसोर्सिंग पॉलिसी सेकंड से 905 की वैकेंसी जरूर करेंगे, चाहे रेगुलर भर्ती का इंटरव्यू का रिजल्ट कभी आए, हम इस वैकेंसी को जरूर भरेंगे दोस्तों। जब तक न्यू नोटिफिकेशन नहीं आता, जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा इस यूट्यूब चैनल पर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जरूर कमेंट करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों। पल पल की न्यूज़ दूंगा,
आपके लिए। दोस्तों कैसी रही वीडियो? और दोस्तों लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और कमेंट जो आप पूछना चाहते हो कर सकते हैं। दोस्तों दोस्तों जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट आने वाली है, कभी भी जारी हो सकती है, हो सकता है कल जारी हो सकता है परसों जारी हो, इस हफ्ते के अंदर अंदर मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए, बेस्ट ऑफ लक।